एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनीजा। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपने लेरेवेल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर के साथ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे डेटा को डेटाबेस से डिस्प्ले करवाएंगे, कैसे आप ये पेजिनेशन बनाएंगे और कैसे आप डिलीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो गाइस, ये कुछ डेटा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे और पेजिनेशन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो डिलीट करने के बाद डेटा डिलीट हो रहा है और मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, बाकी जो शो और एडिट है वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। तो गाइज, आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि आप कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, और जैसा आप देख रहे हो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप कोई भी एंट्री डालोगे, सबमिट करोगे, तो ये एंट्री आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। तो आप जैसा देख रहे हो गाइज, ये इंसर्ट हो रही है यहाँ पे और ये यहाँ पे पॉपुलेट भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो मैसेज आया ये कैसे आया, पहले इसको एक बार देख लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा नहीं था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करता हूँ तो हमें एक मैसेज दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो कर क्या रहे हैं गाइज हम, ये देखिए। तो आपको पता है गाइज, जो हमारा कंट्रोलर है वो है प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे जो मेथड था वो था स्टोर। ठीक है, तो स्टोर मेथड में हमने वैलिडेट किया था, फिर ये इंसर्ट करवाया, फिर हम रिडायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, राउट के अंदर प्रोडक्ट्स फोल्डर इंडेक्स। तो ये हमारा व्यू है गाइज, प्रोडक्ट फोल्डर ये रहा, और यहाँ पे इंडेक्स पे हम क्या भेज रहे हैं, विद मेथड यूज कर रहे हैं सक्सेस, और अपना मैसेज भेज रहे हैं। तो ये जो है गाइज, ये सेशन की तरह काम करता है। अब ये सक्सेस है, इसको हम रिसीव करेंगे इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। देखिए, सेशन गेट सक्सेस इस मैसेज में स्टोर हुआ, और यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल डिव लगाया और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया और एंड इफ कर दिया। तो जैसे ही आप इंसर्ट करवाओगे उस टाइम पे ये चीज सक्सेस के अंदर ही वैल्यू आ जाएगी, और इस सक्सेस को एज अ सेशन हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे गेट कर लेंगे, और आपका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि डेटा आ कैसे रहा है। तो बिल्कुल हम सही फाइल पे हैं, जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉप पे चलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेआउट है, जो लेआउट ब्लेड डॉट पीएचपी है, जैसा आप देख रहे हो, अब मुझे ये इंक्लूड करवाना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरीके से एक्सटेंड करके आप इंक्लूड करवा सकते हो। तो यहाँ पे ब्लेड यूज कर रखा है एट द रेट सेक्शन, और लिखा है कॉन्टेंट, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेआउट है वो ये, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट्स के अंदर लेआउट। और यहाँ पे देखेंगे तो आप सिंपल यहाँ पे बूटस्ट्रैप की सीएसएस इंक्लूड करवा रखी है, और यहाँ पे एक कंटेनर है जहाँ पे लिखा है एट द रेट एल्ड कॉन्टेंट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस लेआउट वाले पेज को हमने इंक्लूड करवा लिया यहाँ पे, जैसे हमने क्रिएट के अंदर करवाया था, और वही सेम काम हमने यहाँ पे किया इंडेक्स के अंदर भी, और यहाँ पे लिखा सेक्शन कॉन्टेंट। तो वट एवर द कॉन्टेंट जो भी यहाँ पे होगा ऑटोमेटिकली कहाँ सेट हो जाएगा, वो लेआउट के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, देखिए, तो यहाँ पे सिंपल एक डिव है, रो है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो हेडिंग देख रहे हो आप पेज पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये वो हेडिंग है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे एक बटन है, एंकर टैग दे रखा है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, एचआरईएफ, और क्या कर रखा है, रूट प्रोडक्ट क्रिएट। तो ये क्या खुल जाएगा, फिर फॉर्म खुल जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो क्या खोल देगा, देखिए क्रिएट वाले पेज पे चला गया, मतलब प्रोडक्ट्स किस मेथड पे जा रहा है, क्रिएट, और क्रिएट मेथड क्या कर रहा है, आपको कौन सी व्यू लोड करके दे रहा है, क्रिएट वाली। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं इंडेक्स के अंदर। तो नॉर्मल एक यहाँ पे एंकर टैग है जो है एक तरीके से बटन की तरह काम कर रहा है, और ये आप समझ ही गए हो, जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इंसर्ट कर दोगे तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया मैसेज। ठीक है, इफ कंडीशन लगा रखी है, इफ ब्लेड यहाँ पे यूज कर रखा है। उसके बाद सिंपल एक टेबल क्रिएट की है, और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और यहाँ पे नंबर है, नेम है, डिटेल है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्शन दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे नेम, नंबर है, नेम है, डिटेल है, और एक्शन है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक फोरिश ब्लेड यूज किया है, और ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं डायनेमिकली। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बताऊंगा आपको, पर चलते हैं हम कंट्रोलर के पास, क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, गाइस जैसा कि आप यूआरएल में देख रहे हो, ये है प्रोडक्ट्स। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड कॉल होता है वो होता है इंडेक्स। तो चलते हैं यहाँ पे इंडेक्स के पास, और
देखिए गाइस ये रहा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सिंपल प्रोडक्ट लेटेस्ट, तो सारे लेटेस्ट रिकॉर्ड आ जाएंगे। और पेजिनेशन कर दिया, यहाँ पे एक मेथड यूज किया पेजिनेट, मैं चाहता हूँ 5 रिकॉर्ड दिखाना पर पेज, तो यहाँ 5 पास कर दिया, ठीक है। अभी जो ये चीज कुछ कमेंट कर रखी है, आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको समझाने के लिए कर रखी है ये। उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न व्यू कर दिया प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो भी मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। और हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स, हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा व्यू है इंडेक्स वाला, क्रिएट ये देखिए इंडेक्स डॉट बेट डॉट पी एच पी, वहाँ पर हम भेजना चाहते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो एक तरीके से ये इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी आपको दिखाता हूँ। और साथ में हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स। कॉम्पैक्ट क्या करता है, जो भी आपका डेटा आ रहा है ना उसे की और वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, ये देखिए ये आपका कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम पीटर है और लास्ट नेम क्या है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम दे रखा है, लास्ट नेम दे रखा है और एज दे रखी है। आपने क्या किया, कॉम्पैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, रिजल्ट को आपने अगर प्रिंट कराया तो क्या मिला आपको, फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू मिल गई। तो कॉम्पैक्ट क्या कर देता है, की और वैल्यू में आपको आउटपुट देता है। तो यहां पे हमने यही चीज की है, अगर आप देखोगे तो कॉम्पैक्ट कर दिया हमने। बाकी ये चीज क्या है इसके बारे में बताता हूं आपको। अब मुझे ये बात समझ आ गई कि जो मेरा इंडेक्स मेथड है उस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, मेरा रिजल्ट है जो डेटाबेस से आ रहा है। हम कैसे अपने पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे डेटा, देखिए इस प्रोडक्ट को हम कॉपी करेंगे यहां से, चलेंगे यहां पे और यहां पे यूज करेंगे फॉरिश लूप। तो यहां पे सारे प्रोडक्ट्स हैं एज प्रोडक्ट, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट लूप चलेगा। ये तो हमने क्या कर रखा है, प्लस प्लस आई, तो पहली वैल्यू क्या होगी गाइस, ये देखिए 1 होगी, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट से हमने क्या निकाला, नेम निकाला और डिस्क्रिप्शन डिटेल निकाला। तो 1 by 1 सारे प्रोडक्ट आएंगे, लूप के हेल्प से सारे के सारे पॉपुलेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आपकी मर्जी है, फॉर्म क्रिएट करो ना करो, पर दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जानते हो गाइस, शो एडिट डिलीट, यहाँ पे 3 चीजें हैं और आज हम बात करेंगे डिलीट के बारे में ही। तो जो डिलीट का एक्शन है वो हम फॉर्म की हेल्प से करवा रहे हैं, बाकी ये जो है ये हम रिडायरेक्ट करा के कराएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, बात करते हैं पहले शो की। तो यहाँ पे जैसे शो पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाओगे आप, सिंपल आपने एंकर टैग यूज किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, शो के लिए क्या कर रखा है, हमने एंकर टैग बना रखा है और एडिट के लिए भी क्या कर रखा है, एंकर टैग बना रखा है, बट डिलीट के लिए एंकर टैग नहीं बनाया। उसके लिए आपको बताएंगे फॉर्म की हेल्प से कैसे करें। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप फॉर्म की हेल्प से भी कर सकते हो, आप एंकर टैग की हेल्प से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, शो, तो शो के अंदर आप देखेंगे तो क्या कर रहे हैं हम, कौन से व्यू पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आप, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो आपका फोल्डर है और शो क्या है आपका, शो ब्लेड डॉट पी एच पी, यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे हम इसके बारे में, चलते हैं वापस हम इंडेक्स के अंदर और क्या भेज रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। कैसे मिली आईडी, यहाँ से मिली। तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले पेज पे, तो गाइस इस तरीके से आप आईडी भेज सकते हो किसी पेज पे, तो वही आईडी का डेटा आपको दिखेगा। मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो वही डेटा दिखेगा जो आपको दिखाना है उस आईडी का, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हमने एडिट के लिए किया है। अब कहाँ जा रहे हैं एडिट वाले केस में, एडिट वाली स्क्रीन पे जा रहे हैं और आईडी पास कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ डिलीट वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक फॉर्म है, एक्शन है, रूट कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय के अंदर जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चलेंगे कंट्रोलर के अंदर तो यहां आपको मिलेगा डिस्ट्रॉय, ये देखिए, तो यहां पे सिंपल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आया, हमने डिलीट मेथड कॉल किया, प्रोडक्ट पे क्या किया हमने, डिलीट मेथड कॉल किया और रिडायरेक्ट करवा दिया। अब यहां पे ऑटोमेटिकली वो जो आईडी आपने पास की है वो अपने आप इस ऑब्जेक्ट के पास है, वो डिलीट मेथड में वो आईडी पास कर देगा इंटरनली और वो रिडायरेक्ट कर देगा कहां पे, प्रोडक्ट्स इंडेक्स पे, और यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा। तो बेसिकली जो आप लॉजिक देख रहे हो गाइस, ये जो चीज है, ये जो भी आप मैसेज दोगे डायनेमिकली हर बार यहाँ सेट हो जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे। तो चाहे इंसर्ट करवाओ तभी ये लॉजिक चलेगा, आप अपडेट एडिट कुछ भी करोगे हमेशा ये चीज सेट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रॉय मेथड कॉल किया और वो चीज हमारी कहाँ पे थी, इंडेक्स के अंदर। और सिंपल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब आप जब भी बटन पे क्लिक करोगे, बटन क्या है, डिलीट है, बाकी वो तो एंकर टैग है। और अगर डिलीट की हेल्प से करना होगा तो आपको पता है जब भी हम फॉर्म यूज करते हैं हमें यूज करना होता है CSRF, क्योंकि ये टोकन पे काम करता है, कोई भी फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते विदाउट टोकन। और बाकी आप ये यूज कर सकते हो @ मेथड डिलीट। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे कहां जाएगा, प्रोडक्ट्स
डिस्ट्रॉय पे जाएगा और ये आईडी लेके जाएगा। ठीक है गाइस, और ऐसे ही जब हम बात करेंगे शोर एडिट की तो वहां भी क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट शो पे जाएगा और आईडी लेके जाएगा। तो पहले जाएगा कंट्रोलर के अंदर, शो मिलेगा और फिर वो यहां से कहां भेजेगा, ब्लेड के पास भेजेगा। तो फ्लो क्या है गाइस, पहले वो क्या कर रहा है, जाएगा कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर भेजेगा व्यू के पास। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डिलीट आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो हम जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले तो जाएगा कंट्रोलर के पास और यहां पे डिस्ट्रॉय ढूंढेगा और यहां पे सिंपल उस आईडी के साथ डिलीट कर देगा, मैसेज दे देगा, इंडेक्स पे भेज देगा, मैसेज क्या भेजेगा, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और वो आपका यहां पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हो। और चलते हैं वापस इंडेक्स मेथड के पास, अब समझते हैं पेजिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम क्या समझेंगे पेजिनेशन। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट लेटेस्ट, अब देखिए अगर मैं आपको वैसे लिंक दे दूंगा ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहां पे भी इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहां पे जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो सब बातें यहां पे यूज की गई हैं और इसे आप फॉलो कर सकते हो। और भी काफी सारी चीजें हैं, सिंपल पेजिनेट है, अलग अलग तरीके हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हो और पेजिनेशन बना सकते हो। देखिए, देख रहे हो आप, तो यही चीज हमने की है, इस तरीके से आप अभी आप डिस्प्ले करवाएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये फायदा होता है फ्रेमवर्क यूज करने का, और बस आपको लेस लाइन ऑफ कोड लिखना है, बाकी बैकग्राउंड में इंटरनली वो कर देता है आपका फ्रेमवर्क। ठीक है, उसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया गाइस, ये लाइन है आपकी, पर रिकॉर्ड पर पेज क्या दिखाएगी, 5 रिकॉर्ड दिखाएगी। और कहाँ रिटर्न करवा रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स इंडेक्स वाले पेज पे जो कि आपका ब्लेड है, और कॉम्पैक्ट कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्यूर वैल्यू की फॉर्म में, विद आई की वैल्यू क्या होगी, रिक्वेस्ट डॉट इनपुट पेज। अब ये क्या है गाइज, ये है आपका, अगर मैं टू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्या है, पेज है, क्वेरी स्ट्रिंग के साथ एक आपका पैरामीटर जा रहा है, तो ये गेट रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब यहाँ पे ये है, रिक्वेस्ट इनपुट जब आप मेथड कॉल करोगे चेक करेगा फॉर गेट क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, लाइक जैसे कि ये है जो मैंने आपको बताया, पेज इक्वल टू टू, पेज इक्वल टू टू फॉर पोस्ट पैरामीटर, अगर या तो गेट होगी या पोस्ट होगी, विद सेकेंड आर्गूमेंट बींग द डिफॉल्ट वैल्यू, इफ रिक्वेस्ट डिड नॉट हैव इट, कुछ भी नहीं होता है रिक्वेस्ट में, वट दे डू नेक्स्ट विद इट, सब्ट्रैक्टिंग 1 मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद 5। तो यहां पे यही हो रहा है, अगर कुछ वैल्यू नहीं होगी तो व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू, 1। फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है, यहां पे 2 है, तो यहां पे क्या है, पेज की वैल्यू क्या है, 1 होती है बाय डिफॉल्ट, बट अभी 2 है तो 1 नहीं लेगा, 2 में से 1 गया। देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, अभी क्या है, सपोज 1 है, कुछ भी नहीं है, इनिशियल क्या होगी 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 into 5 0, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम अगर मान लो 2 होती है तो 2 माइनस 1 इंटू 5, तो 2 में से 1 गया 1 इंटू 5 5, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो इस तरीके से पेजिंग हो रही है, बाकी जो पेजिनेशन बनने का काम है वो बैकग्राउंड में ये मेथड ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो पर पेज जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये वो लॉजिक है। ठीक है, आई की वैल्यू जो कॉम्पैक्ट होके आपके प्रोडक्ट के साथ जा रही है। अब जितनी मैंने आपको बातें बोली इसको और अच्छे से आपने देखना, तो क्या करेंगे, ये देखिए अब मैं इसे करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे करते हैं इसे अनकमेंट। हमने क्या किया, जो हमारा पर पेज वाला रिकॉर्ड आ रहा है उसको हमने डाल दिया प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर, जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 1 तो क्या आएगा, 0 आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और अगर 10 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 3 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा आई की वैल्यू, ये क्या है गाइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, चलिए और अच्छे से दिखाता हूँ मैं इसको आपको, इसे करते हैं यहाँ पे कमेंट कमेंट, और ये देखिए, ये बस मैंने जान के ऐसा किया ताकि अच्छे से समझ आए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम वही चीज है गाइस, अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करवाया है। देखिए सेम यही चीज है, सेम यही चीज है, आई को अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया और फिर यहाँ पे कॉम्पैक्ट के साथ आई, तो अब देखिए क्या होगा, देख रहे हो आप। तो कुछ चीजें आपको जो नहीं दिख रही थी, जो ये मेथड कर रहा है आपका पेजिनेट वाला, वो आपको दिखेंगी अब। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या आ गया, अभी मैं 3 पे जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए तो ये टोटल 12 है, लास्ट पेज कितना है, 3 है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी वो सारी आपको यहाँ दिख रही है।
देखिए अब यहाँ पे करता हूँ 4, कोई डेटा ही नहीं है इस पेज के लिए, आएगा ही नहीं। तो मैक्स कितना डेटा है हमारे पास, 12 रिकॉर्ड है टोटल। तो पर पेज 5 है, तो एक पेज में 5, सेकंड पेज में 5, नेक्स्ट पेज पे 3, आप 5 करोगे तो आएगा इन डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप पेजिनेशन बना सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको करना है। बाकी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, इंडेक्स पे जाओगे, आपको खाली एक लाइन लिखनी है, वो है ये प्रोडक्ट्स लिंक्स, आपको ये लिखनी है। अगर मैं इसे हटा दूंगा अभी, और इसे हम ठीक कर देते हैं, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और इसे कर देते हैं दैट्स इट। अब देखिए पेजिनेशन दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो क्या करना होगा इसके लिए, हमें चलते हैं वापस अपने इंडेक्स डॉट ब्लेड के अंदर और लगा देते हैं इसे वापस। पेजिनेशन तो आ गया और डेटा भी आपका आ गया है, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो गाइस इस तरीके से आप पेजिनेशन का यूज करके और डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फ्लो क्या रहेगा, व्यू से कंट्रोलर, कंट्रोलर से फिर व्यू, ठीक है, ये फ्लो रह रहा है। बाकी जो ये डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए मेथड मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट लेटेस्ट मेथड यूज़ कर रहा है, क्रिएट के लिए क्या यूज़ किया था, प्रोडक्ट क्रिएट यूज़ कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अभी आप देखेंगे आगे भी, जैसे मैंने आपको बताया था डिलीट के लिए, ये देखिए डिलीट यूज़ करेगा, ऐसे जब अपडेट करेगा तो अपडेट यूज़ करेगा, देखिए अपडेट यूज़ कर रहा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेशन में बात करेंगे हम शोर एडिट के बारे में और फिर इसे कंप्लीट कर देंगे, बाकी जो और चीज़ें हैं लेरेवेल के अंदर वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। टिल देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।